Hi guys, assalamu alaikum. My name is Mohammad Anas. So today we will discuss clean development mechanism. इसके हम लोग objectives पढ़ेंगे basically. सबसे पहले हम देखेंगे कि clean development mechanism जिसको हम CDM भी कहते हैं वो basically है क्या. It is a flexible mechanism under Kyoto Protocol. ये एक international treaty है जो 1997 में sign की गई थी. उसके बाद इसका जो main objective या goal जो था वो था कि रिड्यूस करना है ग्रीन जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका मिशंस को उनको कंट्रोल करना है. ठीक है, जितना हो सके उसको रिड्यूस करना है. तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. ये तो होगी ना इसका ओवरऑल इंट्रोडक्शन. तो हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे. तो तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैंने पॉइंट्स में लिख लिए हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं. तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है हेल्प डेवलप कंट्रीज टू मीट गैस एमिशन रिडक्शन टारगेट्स. ठीक है, कि जो डेवलप कंट्रीज हैं उनको उनके गैस एमिशन टारगेट्स जो हैं उनमें हेल्प करना. हेल्प किस तरह करना है कि उनको अलाउ करना कि वो जितने भी गैस एमिशंस प्रोजेक्ट्स हैं मसलन के अपने गैस एमिशंस रिडक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में स्टार्ट कर सकें. ठीक है, सो जो दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है उसका इनकरेज डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्रीज मसलन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इनकरेज करना डेवलपिंग कंट्रीज में बाय प्रोवाइडिंग एड फाइनेंशियल एड देकर के ताकि वो गैस एमिशन रिडक्शन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टार्ट कर सकें. ठीक है, उसके बाद जो तीसरा मेन इसका है कि ट्रांसफर ऑफ एनवायरमेंटल साउंड टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट. ठीक है, तो मसलन को फोस्टर ट्रांसफर करना जो हैं इन्वायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजीज हैं उनको डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ताकि गैस एमिशन जो है वो कम से कम हो सके, ताकि जो गैस एमिशन जो है वो कम से कम हो सके और हमारा क्लाइमेट जो है वो ठीक हो सके. सो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो यही है कि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया है इस क्योटो प्रोटोकॉल पे, इस जो मसलन के CDM है इस पे क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा किया है. उनके बहुत ज़्यादा रीजंस हैं इनको मसलन के क्रिटिसाइज करने के. सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे, सबसे पहला जो रीज़न है वो देखेंगे ट्रीटी इज़ नॉट फेयर. ट्रीटी फेयर क्यों नहीं है मसलन के, वो ये कहते हैं कि जो ये ट्रीटी जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को नहीं ना पेनल्टी कर रही है मसलन के, वो जिस तरह मर्जी एमिशन ग्रीन हाउस गैसेस का कर रहे हैं, जो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको ही ये पेनल्टी करते हैं. तो इसलिए वो इस चीज़ से नाराज़ हैं कि मसलन के ना वो फोर्स कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को ना पेनल्टी दे रहे हैं, सिर्फ हम पे ही जो है वो मसलन के इतनी ज़्यादा लिमिट्स लगाई हुई हैं. ये तो ये उनका पहला जो है वो आर्ग्यू है. दूसरा जो है वो ट्रीटी डज नॉट लिमिट्स ऑन द मिशन ऑफ सर्टेन गैसेज जैसे कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन. मसलन को वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रीटी है ना ये मसलन मखसूस जो गैसेज हैं ना उन पे मसलन के वो नहीं लिमिट्स लगा रही, जैसे कि हाइड्रोफ्लोरो कार्बन गैसेज हैं ग्रीन हाउस गैस जो है ये बहुत ज़्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है जो मसलन के बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, तो इन पे मसलन के पर्टिकुलर जो है वो नहीं लगा रही है लिमिट्स वगैरह ना. तो नेक्स्ट उनका ये है कि सम प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेड विदाउट फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइडेड बाई CDM, कि विदाउट फाइनेंशियल इंसेंटिव के जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं तो ये जो है वो कह रहे कि ये एक जेन्युइन जो है वो ट्रीटी नहीं है मसलन के, जेन्युइन जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन रिडक्शंस का जो है वो प्रोटोकॉल नहीं है. तो ये इनके जो थे वो तीन क्रिटिसिज्म के मैंने पॉइंट्स बताए हैं. तो आप ये जो है वो अगर एग्जाम आता है किसी भी तरह का या कोई भी है तो उसमें आप जो है वो पुट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. सो बेसिकली लास्ट में मैं यही कहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, और मकसद ये है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी के रिलेटेड जितने भी हैं वो मेरे नीचे प्लेलिस्ट होगी इसी, या यूट्यूब के चैनल पे जाएं तो वहाँ पे प्लेलिस्ट होगी इसके सारे रिलेटेड मतलब के क्वेश्चन जो हैं वो मैं अपलोड किए हुए हैं. थैंक यू सो मच.